आनंद ही आनंद, जय गजानंद। हाय गाइस, आई एम पवन, बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे, केदारनाथ धाम। तो जय श्री केदारनाथ धाम जा रहा हूँ मैं, उत्तराखंड नहीं, हमारे प्यारे लवली उल्लासनगर शहर गोल मैदान पे केदारनाथ धाम का पूरा सेट बनाया गया है। और नवरात्रि के टाइम पे, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप सबको भी हैप्पी नवरात्रि। तो ये 9 दिन या 10 दिन सेट रहेगा। अभी मैं भी जाऊंगा दर्शन करने, एंड आपको भी कराऊंगा विजुअली, बट आप भी आ सकते हो। गोल मैदान पे दर्शन चालू है, आपको अगर आप शाम को भी आ सकते हो, दिन में भी आ सकते हो, फुल नाइट ही चालू है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। दर्शन का कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप जब आओगे आपको दर्शन मिलेगा। ये 9-10 दिन तो है ही। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी मैं हूँ गोल मैदान की मेन गेट पे। मेन गेट से आपको लेफ्ट लेना है और लेफ्ट के साइड ही। तो हम पहुँच चुके हैं श्री केदारनाथ धाम। जय श्री केदार। और सागर भाऊ, क्या हाल है? सब बढ़िया, बाकी एक नंबर है, दिल खुश हो गया भाई। मतलब केदारनाथ जाना, यहाँ आना बात से। मम्मी कुछ कहना चाहती है आपको? हे मम्मी, आलिया और राजभाव, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, आप बताओ, बाकी सब बढ़िया भाई? जय श्री, जय श्री, शुक्रिया भाई। बस
नहीं नहीं ये सही है, खुला रखा है ना, खुला रखा है ना, अच्छा है ये। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए दर्शन करें। जो केदारनाथ धाम नहीं जा सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ही हमको दर्शन कराने के लिए इतनी मेहनत की है, हूबहू सेट बना है, हूबहू सेम वही है जो वहाँ पे है, वही यहीं पे भी है। शिव तो सब जगह है, तो जो वहाँ पर नहीं जा सकते वो यहाँ दर्शन करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और कैसा लगा कमेंट करो, और जिन्होंने ये सब बनाया उन सबको थैंक्स बोलना वहाँ पे जाके प्लीज़, बहुत मेहनत की हम लोगों ने। चलो जय श्री केदार।